प्रदेश में फिर गिर सकते हैं ओले। बता दें मार्च में तीसरा सिस्टम एक्टिव, वही बताया जा रहा है कि 24 से 26 मार्च तक प्रदेश भर में इसका असर जो है देखा जा सकता है। 40 से 80 मिली प्रति घंटे की स्पीड में आंधी चलेगी। वही देखिए तमाम जिले मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वही जबलपुर, शहडोल, चंबल संभाग में ओलावृष्टि का जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। तो मौसम के जो अचानक करवट लेने से देखिए तमाम तरह के नुकसान की भी जो खबर है वो सामने आई। ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें मार्च में तीसरा सिस्टम एक्टिव होने की वजह से ये मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के देखिए तमाम ऐसे जिले हैं जिनके लिए अलर्ट जो है जारी किया है, जहां पर तेज आंधी के साथ आपको बता दें ओले भी गिर सकते हैं। कुलभूषण सक्सेना लगातार सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, देखिए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से लगातार किसानों को नुकसान हुआ, ऐसे में उनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से ये मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में फिर से बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से मध्यप्रदेश में अलर्ट जारी किया है। मध्यप्रदेश की अगर हम बात करें क्योंकि मध्यप्रदेश में पिछले कुछ समय से लगातार जो है तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और बारिश होती नजर आ रही थी। हालांकि सुबह के वक्त जरूर आप जो है काफी तेज धूप देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है मौसम अचानक करवट लेता है, बादल छाते हैं, बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। ऐसा लग रहा है मानो बारिश का समय चल रहा है और लगातार प्रतिदिन जो है बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर किसान सबसे अधिक चिंतित है क्योंकि किसानों की खड़ी और कटी फसलें जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। खड़ी फसलें ओलावृष्टि की वजह से टूट चुकी है, खेतों में पड़ी है, और जो फसलें कट के खेतों में रखी थी वो बारिश में भीग चुकी है, वो खराब हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे, पहले राउंड का सर्वे हो चुका है, दूसरे राउंड का सर्वे जो है मध्यप्रदेश में जारी है। लेकिन विपक्ष लगातार जो है किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी, क्योंकि सुबह के वक्त ही काफी तेज ठंडी हवा चलती है, इससे एक अनुमान लग जाता है कि शाम तक बारिश होगी या नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए मौसम विभाग ने ये चेता दिया है कि आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जिले जो चिन्हित किए गए हैं जहां बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि किसान जो एक तरफ तबाह हो रहे हैं, आने वाले दिनों में उनकी जो मुश्किलें हैं कुलभूषण वो बढ़ सकती है। फिलहाल आप बने रहिएगा, फिर से आऊंगी मैं आपके पास।